शाहपुर मंचना नदी पर बने पुल की चौड़ाई कम होने के कारण एक साथ दो वाहन नहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी ड्राइवर अपनी मूड मर्जी दिखाते हुए दोनों तरफ से एक साथ गाड़ी डाल देते हैं, जिसके चलते दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केएल मालवी बस जैसे ही मंचना नदी पुल पर पहुंची, सामने से आ रही पिकअप ने क्रॉसिंग करते समय बस में सवार युवती उम्र 18 वर्ष जिसका हाथ दोनों गाड़ी की चपेट में आने के कारण धड़ से अलग हो गया और वहीं पुल पर गिर गया। पिकअप चालक अपनी गाड़ी को लेकर फरार हो गया, जिसे शाहपुर पुलिस ने बरेठा के पास लावारिस हालत में जब्त कर थाने लाई। मालवी बस में पाठर से सवारियां बैठी थी, उनमें से एक लड़की कांति नाम की है जो खिड़की साइड में बैठी हुई थी, उसका हाथ बाहर निकला हुआ था। जैसे ही बस माचना दी के बीचों बीच पहुंची पुल पर, तो सामने से तेज रफ्तार से पिकअप चालक आया और उसने इंडिकेटर देने के बावजूद भी नहीं रुका और साइड से तेज से निकाला, जिसके कारण उसके हाथ में लगी चोट और उसका हाथ वहीं पर कट के गिर गया। पीछे से मैं तथा एएसआई मालवी साहब आ रहे थे, उन्होंने वो हाथ देखा और तुरंत घटना के जो पिकअप भगी थी उसका पीछा किया और पीछा करके उसको बरेखा घाट में पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।